नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पीस। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। हालांकि सोने का भाव उच्चतम स्तर से काफी सस्ता हो चुका है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिससे कि सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन फाइजर के बाद अब भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन को आपातकाल में भारत में लॉन्च करने की परमिशन मांगी है। यानी कि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द उनकी वैक्सीन को भारत में लॉन्च कर दे। अब सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को अनुमति देता है तो जल्दी भारतीय बाजार में सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन आएगी और इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई है। जानकारों की माने तो उनका यह भी कहना है कि अगर मंजूरी मिल जाती है तो सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि निवेशक शेयर बाजार की ओर तेजी से निवेश करते जा रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अमेरिका में भी फाइजर को आपातकाल अनुमति मिली है। यानी कि जिस तरीके से फाइजर ने अमेरिकी सरकार से अनुमति मांगी थी, उसी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है। ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश करने वाले हो या सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। जल्दी कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं अगर आप भी चाहते हो कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव 30,000 तक पहुँचना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।